ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਸੇਮ ਵਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹੀ ਨਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ कनाडा ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि जी वर्क परमिट क्लोज कर देने, अब वर्क परमिट किसी को नहीं मिलेगा। पिछले 4-5 दिन से आप ये न्यूज़ सुन रहे हो, तो ये न्यूज़ टोटली फेक है। वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो क्लोज्ड है चाहे वो ओपन वर्क परमिट है। न्यूज़ क्या थी वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कैनेडा के जो MP हैं उनकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में, जिनका वर्क परमिट आने वाले दिनों में एक्सपायर होने वाला है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किन लोगों को आने वाली है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने कहाँ पर स्टूडेंट का नुकसान किया है, ठीक है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी भी तरह की हेल्प चाहते हो हमारी तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको पता है कि आज कोविड के बाद ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने, चाहे वो किसी की एक्सटेंशन इंक्रीज करना हो, चाहे वो विजिटर को ज़्यादा टाइम के लिए अपनी कंट्री में स्टे देना हो। तो कनाडा ने अनाउंस किया है कि दैट आपका जो वर्क परमिट अगर एक्सपायर होने वाला है 2024 में, वो एक्सटेंड नहीं होगा। सबसे पहले तो ये बहुत ही जो बड़ी अनाउंसमेंट है, बट इसमें एक चीज़ गवर्नमेंट को ज़रूर देखनी चाहिए थी कि आप इमीडिएटली ईयर के एंड में ये अनाउंसमेंट कर रहे हो, बट बड़े नंबर्स में स्टूडेंट हैं जिनका जनवरी में, फरवरी में, मार्च में जो वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, तो वो क्या करेंगे? क्योंकि अगर वो अपने पॉइंट्स इंक्रीज करने की कोशिश भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ जॉब ऑफर या LMI, इट मे टेक सम टाइम। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी वो इंक्रीज करेंगे, इट मे टेक सम टाइम। तो मुझे ये चीज़ लगती है, मैं चाहता हूँ ये चीज़ सही भी हो जाए जो मैं बोल रहा हूँ, कि कैनेडा गवर्नमेंट डेफिनेटली कोई ना कोई अनाउंसमेंट करेगी अल्टरनेटिव वे के लिए कि आपका जो नुकसान ना हो, क्योंकि बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। अगर ये चीज़ होती है कि बड़े नंबर्स में स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेटस होते हैं या एज ए विजिटर जाते हैं या असाइलम क्लेम करते हैं, तो नुकसान गवर्नमेंट का है, क्योंकि जो आगे आने वाले इनटेक्स के लिए इंडिया से स्टूडेंट्स ने जाना है बड़े नंबर्स में, वो डीमोटिवेट होंगे, एप्लीकेशन कम भी हो सकती है। इस चीज़ का गवर्नमेंट को भी पता है। बट अगर आपका वर्क परमिट 2024 के मिड में एक्सपायर होने वाला है, तो आप प्लीज़ लोकल ऑप्शंस देखिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एक्सपेंसिव LMI बाय कर लीजिए, जो ट्रुथ है कनाडा में वाकई ये चीज़ होती है, स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। सभी एम्प्लॉयर्स नहीं करते, बट सम ऑफ द एम्प्लॉयर्स। तो आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस देख सकते हैं अपनी सिटी से बाहर, अपनी स्टेट से बाहर, डिफरेंट डिफरेंट प्रोवेंसेस में फ्री जॉब ऑफर्स भी मिल जाती हैं, फ्री LMI भी मिल जाती हैं। अगर आपके पास स्किल है, यू कैन गो फॉर RNIP, यू कैन गो फॉर PNP, राइट। एफर्ट्स अब आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि लाइफ में एक फैक्ट है कि एंड ऑफ द डे आपको अपने लिए खुद ही करना पड़ता है, नो बडी कैन डू इट फॉर योरसेल्फ। सो प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी उम्मीद यही करते हैं कि कैनेडा गवर्नमेंट कोई अल्टरनेटिव वे डेफिनेटली जनवरी में अनाउंस कर सकता है, क्योंकि बड़े नंबर्स में स्टूडेंट हैं। जैसे आपको पता है इसी साल जो 700 स्टूडेंट को कनाडा पहले डिपोर्ट करने वाला था, उसकी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को उन्होंने नहीं डिपोर्ट किया था, क्योंकि मिस्टेक किसी और की थी और वो स्टूडेंट गिल्टी नहीं पाए गए थे। बट यहाँ पर मैटर कुछ और है। कोई भी चीज़ अगर आपने नहीं इम्प्लीमेंट करनी है, थोड़ा बहुत टाइम तो जो एप्लीकेंट है उसको देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के लिए अल्टरनेटिव वे डेफिनेटली गवर्नमेंट ढूंढे। बट वर्क परमिट क्लोज नहीं हुआ है, जिन्होंने भी अप्लाई करना है, चाहे वो स्पाउजल डिपेंडेंट वर्क परमिट है चाहे वो क्लोज वर्क परमिट है, तो हम हमेशा स्टूडेंट्स के साथ हैं। हमारी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, वी हैव ऑल्सो लोकल कॉन्टैक्ट्स इन कैनेडा, सो यू कैन ऑल्सो टेक अवर हेल्प। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।